Hello students, welcome back. This is Ehsan Ali Asamadi and thanks for subscribing our channel and thanks for your love and support. So students, हमने start किए थे 12th standard maths part 1 chapter number 5 integration, जिसमें हमने module 1 किया था, exercise 5.1 जिसके base था, that is integration of standard functions. फिर हमने किए थे exercise 5.2 जिसमें हमने किया था method of substitution use किया था हमने. So in our last lecture हमने किया था method of substitution. आज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3, दैट इज सम स्पेशल इंटीग्रल्स. कुछ अलग टाइप के इंटीग्रल्स आज स्टार्ट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं हम इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स प्लस बी अपॉन सी रेस टू एक्स प्लस डी डी एक्स. कौन से इंटीग्रल्स है? सो ये टाइप का फॉर्म होगा वेर a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d dx, where the value of a, b, c and d belongs to a real number. So इस टाइप के इंटीग्रल्स अगर आएंगे तो हमें ये मेथड फॉलो करना है. और इस एक्सरसाइज में फोर सम्स हैं. सो अगर आप एक सम अच्छे से देख लोगे सो ऑल द फोर सम के लिए सेम मेथड हमें यूज करना है. और बहुत ही सिंपल सम्स है, अलग टाइप का है. अगर आपको ये टाइप का दिखा a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d, सो डायरेक्टली आपको यही पैटर्न अप्लाई करना है और सम सॉल्व हो जाएगा. सो ये पैटर्न में हमें दो अलग अलग चीज़ों का याद रखना है. पहला हमें जो सब्स्टिट्यूशन करना है वो न्यूमरेटर का. सो हमें वाइल सॉल्विंग द सम्स हमें याद रखना है कि न्यूमरेटर को क्या पुट करना है, ए डिनोमिनेटर प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर. ये सब्स्टिट्यूशन हमें यूज करना है. क्या है हमारा सब्स्टिट्यूशन? न्यूमरेटर इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई द डिनोमिनेटर प्लस b d बाई डी एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर. ये सब्स्टिट्यूशन का याद रखना है हमें. और इसमें आफ्टर सब्स्टिट्यूशन उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड एट द एंड हमें ये कोरोलरी यूज करना है जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में सीखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा. जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करोगे, ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये फॉर्म में हो जाएगा कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको कोरोलरी 2 यूज करना है. डायरेक्टली आपको लिखना है log f ऑफ x प्लस सी. सो ये कोरोलरी एंड ये सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हम एक्सरसाइज 5.3 अब स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सम. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3. इवेल्युएट द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 3e रेज़ टू 2t प्लस 5 अपॉन 4e रेस टू 2t माइनस 5 dt. सो स्टार्ट करेंगे. सो ये जो हमारा इंटीग्रल है इट्स नॉट डिनोटेड बाय i, लिखेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3e रेस टू 2t प्लस 5 अपॉन 4e रेस टू 2t माइनस 5 dt. सो देखो वही है a e रेस टू x प्लस b अपॉन c e रेस टू x प्लस d, है ना, सिमिलर है. a b c d मेरे एक रियल नंबर्स है. तो स्टार्ट करते हैं क्या करना है. हमने प्रीवियस में देखा न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो फर्स्ट सम है हमारा, मैं लिख लेता हूँ. सो क्या सब्स्टिट्यूशन करना है? न्यूमरेटर इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस b d बाय डी एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर. सो स्टार्ट करेंगे. आई विल नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1. सो न्यूमरेटर मेरा न्यूमरेटर है 3 e रेस टू 2t प्लस 5 इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर है मेरा 4 e रेस टू 2t माइनस 5 प्लस b d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर है मेरा 4 e रेस टू 2t माइनस 5. चलो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको. ये मेरा a एज इट इज, ये हो जाएगा 4e रेस टू 2t माइनस 5 प्लस बी. इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम. सो यहाँ दो फंक्शंस है जिनके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है. तो कैसे करते थे हम, मैं पूरा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ आपको. फर्स्ट सम है. सो d बाई डी एक्स ऑफ 4e रेस टू 2t माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 5. फर्दर सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज है a 4 e रेस टू 2t
माइनस फाइव प्लस बी। सो कॉन्स्टेंट हमारा फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, तो हम रूल नंबर फाइव यूज करेंगे जहां हमारा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड डेरिवेटिव लेंगे हम डी बाई डी टी ऑफ द फंक्शन ई रेस टू टू टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ फाइव। फाइव हमारा एक कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है हमारा जीरो। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये एज इट इज है हमारा ए, फोर ई रेस टू टू टी माइनस फाइव प्लस बी, फोर एज इट इज ई रेस टू टू टी, ई रेस टू टू टी, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई रेस टू एक्स होता है, ई रेस टू टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ई रेस टू टी आएगा। बट क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है? ई रेस टू टी नहीं है, टी के जगह पे टू टी है। सो ये हमारा एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, और कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, सो ई रेस टू टू टी का डेरिवेटिव आएगा ई रेस टू टू टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ द टर्म रिप्लेसिंग टी, टी के जगह पे टू टी है, सो ये आ जाएगा टू टी। फर्दर सॉल्व करेंगे, सो न्यूमरेटर है हमारा थ्री ई रेस टू टू टी प्लस फाइव इक्वल टू ए, फोर ई रेस टू टू टी माइनस फाइव प्लस बी। सिंप्लीफाई करेंगे, फोर एज इट इज ई रेस टू टू टी मल्टीप्लाई बाय टू टी है, तो टू अगेन एक कॉन्स्टेंट है, टू बाहर आ जाएगा। अब टी डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है, सो डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी वन आएगा, सो टू मल्टीप्लाई बाय वन हो जाएगा वो, एंड देयरफॉर आवर फाइनल आंसर इज ए, फोर ई रेस टू टू टी माइनस फाइव प्लस बी। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर टू जा एट, सो एट ई रेस टू टू टी। फर्दर आई विल नेम इट एज, सो एक बार आप उसका डेरिवेटिव ले लेते हो, एक बार हमारा डेरिवेटिव लेके होता है, नेम इट एज इक्वेशन नंबर टू। सो इक्वेशन वन वॉज माई क्वेश्चन, इक्वेशन टू जब डेरिवेटिव लेके होता है उसको हम इक्वेशन टू दे देंगे। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये हमारा थ्री ई रेस टू टू टी प्लस फाइव। अब हम क्या करेंगे, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स, ए और बी का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे। सो ओपन करेंगे ब्रैकेट्स, दिस विल बिकम फोर ए ई रेस टू टू टी माइनस फाइव ए प्लस एट बी ई रेस टू टू टी। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा ई रेस टू टू टी, ई रेस टू टू टी को साथ में लिखते, सो ये हो जाएगा 4a प्लस 8b e रेस टू 2t माइनस 5a, ये एज इट इज। नाउ a और b का वैल्यू फाइंड करना है, अब यहां से हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा। अब हम दोनों RHS और LHS को कंपेयर करेंगे, सो ऑन कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर करेंगे, सो इन प्लेस ऑफ ई रेस टू टू टी हमारे पास है 4a प्लस 8b, और LHS में ई रेस टू टू टी के आगे 3 है, सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, 4a प्लस 8b इक्वल टू 3। हमें a और b फाइंड करना है, दो अननोन है तो दो इक्वेशन बनेंगे। सो फर्दर अगर हम कंपेयर करें, सो यहां अगर मैं कंपेयर करूं द कॉन्स्टेंट पार्ट, सो यहां ये कॉन्स्टेंट है मेरा, ये हमारा कॉन्स्टेंट पार्ट है माइनस फाइव ए, और LHS में ये कॉन्स्टेंट पार्ट है। सो अगर हम कंपेयर करें, सो माइनस फाइव ए इज इक्वल टू फाइव, एंड देयरफॉर ए इक्वल टू
5 अपॉन माइनस 5 एंड देयरफॉर वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए एज माइनस 1. ए का वैल्यू मिल गया. अब ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें हम. सो 4 माइनस 1 प्लस 8 बी इक्वल टू 3. सो माइनस 4 प्लस 8 बी इक्वल टू 3. सो 8 बी इक्वल टू 3 प्लस 4. सो बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 8. सो हमें ए और बी के वैल्यूज मिल गए. अब इस ए और बी के वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर हमने जो दिया था 2 में. सो देयरफॉर लिख देते हैं हम सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 2. सो व्हाट वाज माय इक्वेशन 2? 3 रेस टू 2t प्लस 5 इक्वल टू ए. द वैल्यू ऑफ ए इज माइनस 1. सो माइनस 4 ई रेस टू 2t माइनस 5 प्लस बी का वैल्यू है हमारा 7 अपॉन 8 और 8 ई रेस टू 2t. सो ये हमारा न्यूमरेटर है. आई विल नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3. सो ये हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. इंस्टेड ऑफ द न्यूमरेटर 3 ई रेस टू 2t प्लस 5 अब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो क्या किया हमने, सबसे पहले हमें जो फॉर्म दिया था ए रेस टू एक्स प्लस बी अपॉन सी रेस टू एक्स प्लस डी, हमें न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट करना है. सो न्यूमरेटर का सब्स्टिट्यूशन कैसा है, ए डिनोमिनेटर प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर, हमने वो ले लिया. बट यहाँ पे ए और बी दो अननोन है. सो दो अननोन का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. तो चलो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते. सो उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, यहाँ सिंप्लीफाई करने के लायक कुछ नहीं है. सो डी बाई डी टी यहाँ मैंने सिंप्लीफाई किया एंड फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पे आई गॉट वन इक्वेशन. यहाँ हम आके रुक गए, अभी भी हमें ए और बी का वैल्यू नहीं मिला है. अब ऑन कंपेयर करेंगे. जब हमने कंपेयर किया तो ए और बी के वैल्यूज मिल गए, उन वैल्यूज को मैंने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो अब ये मेरा न्यूमरेटर बन गया. अब इस न्यूमरेटर को हम लेंगे और हमारे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो लिखेंगे देयरफॉर हमारा क्वेश्चन बन गया आई इक्वल टू क्या था, न्यूमरेटर 3 ई रेस टू 2t प्लस 5 और ये रहा उसका वैल्यू. 3 ई रेस टू 2t प्लस 5 इज माइनस 4 ई रेस टू 2t माइनस 5 प्लस 7 अपॉन 8 8 ई रेस टू 2t द होल अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 4 ई रेस टू 2t माइनस 5 विद रिस्पेक्ट टू टी. अंडरस्टूड, हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिए. कहां से पता चला ये हमें, फ्रॉम 1 एंड 3. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. देयरफॉर आई इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग दे देंगे, माइनस 4 ई रेस टू 2t माइनस 5 अपॉन 4 ई रेस टू 2t माइनस 5 प्लस 7 अपॉन 8 8 ई रेस टू 2t अपॉन 4 ई रेस टू 2t माइनस 5 एंड dt एज इट इज. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये टर्म हमारा हो जाएगा रेड्यूस एंड देयरफॉर हमारा क्वेश्चन बन गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 प्लस 7 अपॉन 8 ई रेस टू 2t अपॉन 4 ई रेस टू 2t माइनस 5 विद रिस्पेक्ट टू dt. अब बहुत ही सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 dt प्लस 7 अपॉन 8 इंटीग्रेशन ऑफ 8 ई रेस टू 2t अपॉन 4 ई रेस टू 2t माइनस 5 dt. अब लास्ट स्टेप,
अब बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है हमने, माइनस वन डी टी इंटीग्रेशन ऑफ वन, वन का इंटीग्रेशन क्या है स्टैंडर्ड फंक्शंस में हमने किया था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन था एक्स जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टी है, सो इंटीग्रेशन, सो माइनस कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। चलो फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये हो जाएगा डी टी प्लस सेवन अपॉन एट इंटीग्रेशन ऑफ एट ई रेस टू टू टी अपॉन फोर ई रेस टू टू टी माइनस फाइव डी टी, सो ये हो जाएगा माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का एक्स था, विद रिस्पेक्ट टू टी का आएगा टी प्लस सेवन अपॉन एट। यस, अब यहां देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में फोर ई रेस टू टू टी है, सो अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो कॉम्पोजिट फंक्शन है तो एट ई रेस टू टू टी आ जाएगा और फाइव कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा, सो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, सो डायरेक्टली हम लिखेंगे लॉग ऑफ फोर ई रेस टू टू टी माइनस फाइव प्लस सी विच इज अवर फाइनल आंसर। सो होप आपको ये सम समझ में आया है, मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं बिकॉज ऑल थ्री सम सेम है, सेम मेथड से मैं करूंगा। सो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ए ई रेस टू एक्स प्लस बी अपॉन सी ई रेस टू एक्स प्लस डी का फॉर्म हुआ तो यही पैटर्न यूज करना है जहां पे हमें न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूशन कर देना है, कैसा, सो ए डिनोमिनेटर प्लस डी बाई बी डी बाई डी एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर, सो हम ये पैटर्न यूज करेंगे। सो हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया, अब ए और बी दो अननोन थे तो दो अननोन फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन बनाएंगे, तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई किया हमने और दो इक्वेशन बन गए, ऑन कंपेयर किया तो दो इक्वेशन बने, दोनों में से ए और बी का वैल्यू मिला तो तब जबकि हमने सब्स्टिट्यूट किया तो इक्वेशन टू में हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें मिल गया वो इक्वेशन। अब ये हम क्वेश्चन में वापस रिप्लेस कर देंगे, इस चीज को हमने वापस क्वेश्चन में लिख दिए तो ये हमारा मेन क्वेश्चन हो गया, और देन हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट किए, हर बार सारे सम्स में यही होने वाला है, रिड्यूस करेंगे एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, सारे सम्स में यही होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपका ए और बी का वैल्यू अलग आएगा, एंड देन उसको फर्दर सिंप्लीफाई किए एंड कोरोलरी टू यूज किया है मैंने, कोरोलरी टू ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये वाली कोरोली यूज किया मैंने। सो आई होप आपको ये सम समझ में आया है, कंटिन्यू करते हैं विद अवर सेकेंड सम। सो कंटिन्यू करते हैं सेकेंड क्वेश्चन हमारा, और वो है इंटीग्रेशन ऑफ 20 माइनस 12 ई रेस टू एक्स अपॉन 3 ई रेस टू एक्स माइनस 4 डी एक्स। सो अब ये क्वेश्चन करेंगे, अब ये किसके जैसा है, सो मैंने आपको बोला था इंटीग्रल अगर हमारा ए ई रेस टू एक्स प्लस बी और सी ई रेस टू एक्स प्लस डी होगा तो उस टाइप का करेंगे, सो ए ई रेस टू एक्स प्लस बी अपॉन सी ई रेस टू एक्स प्लस डी, क्या ये उस टाइप का है, यस इट इज ऑफ द टाइप ऑफ दिस, बट थोड़े टर्म्स अरेंज करके दिए हुए हैं, सो पहले हम रीअरेंज कर देते हैं, सो लेट आई इक्वल टू हमने क्वेश्चन लिखा, अब हमारा ए ई रेस टू एक्स पहले है सो मैंने रीअरेंज कर दिया एंड माइनस 12 ई रेस टू एक्स पहले लिख दिया एंड 20 आई रोट आफ्टरवर्ड्स, और डिनोमिनेटर तो यस डिनोमिनेटर मेरा प्रॉपर था ए ई रेस टू सी ई रेस टू एक्स प्लस डी, तो मैंने उसको वैसे रहने दिया। अभी मेरा क्वेश्चन कौन सा इंटीग्रल है, ए ई रेस टू एक्स प्लस बी अपॉन सी ई रेस टू एक्स प्लस डी, और इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड है, हम न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए डिनोमिनेटर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, कंपेयर करेंगे, ए और बी का वैल्यूज मिलेगा, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर कोरोलरी यूज करेंगे, सेकेंड कोरोलरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस सम अच्छे से देख लेना, एक सम अच्छे से देख लोगे बाकी तीन सम्स को देखने की जरूरत नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। सो न्यूमरेटर को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या है हमारा न्यूमरेटर इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। स्टार्ट करेंगे, न्यूमरेटर क्या है मेरा माइनस 12 ई रेस टू एक्स प्लस 20 इक्वल टू ए, डिनोमिनेटर क्या है मेरा 3 ई रेस टू एक्स माइनस 4 प्लस b d by dx of 3 e raised to x minus 4।
सो ये मेरा इक्वेशन नंबर वन है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, सो ये ए एज इट इज, ये पार्ट को तो कुछ भी नहीं करना है हमें, प्लस बी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेना है। सो इस बार मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं, थ्री मेरा कांस्टेंट है, एक फंक्शन एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन के साइन में, सो कांस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है, माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ए थ्री ई रेस टू एक्स माइनस फोर प्लस बी थ्री ई रेस टू एक्स, एंड आई विल नेम इट एज इक्वेशन नंबर हमारा ये है टू, माइनस ट्वेल्व ई रेस टू एक्स प्लस ट्वेंटी। इक्वेशन टू कौन सा है? एक बार डेरिवेटिव ले लिए उसके बाद डायरेक्टली हम इक्वेशन टू दे देंगे, और इक्वेशन वन हमारा क्वेश्चन होता है। अब हम ए और बी का वैल्यूज फाइंड करेंगे कंपेयर करके, सो ओपन करते ब्रैकेट्स, माइनस ट्वेल्व ई रेस टू एक्स प्लस ट्वेंटी इक्वल टू, ओपन करेंगे ब्रैकेट्स, सो थ्री ए ई रेस टू एक्स माइनस फोर ए प्लस थ्री बी ई रेस टू एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो माइनस ट्वेल्व ई रेस टू एक्स प्लस ट्वेंटी इक्वल टू, रीअरेंज करेंगे, थ्री ए ई रेस टू एक्स प्लस थ्री बी ई रेस टू एक्स माइनस फोर ए, सो ये हो जाएगा हमारा थ्री ए प्लस थ्री बी ई रेस टू एक्स माइनस फोर ए। एल एच एस और आर एच एस के साथ हमें कंपेयर करना है, अगर हम कंपेयर करेंगे तो एल एच एस में एक कॉन्स्टेंट है और एक टर्म है ई रेस इन टर्म्स ऑफ ई रेस टू एक्स, सो आर एच एस में भी एक टर्म ई रेस टू एक्स निकालूंगा और एक कॉन्स्टेंट निकालूंगा, सो मैंने कॉन्स्टेंट भी निकाल दिया और एक टर्म ई रेस टू एक्स के टर्म में भी निकाल दी है हमने, सो ये माइनस ट्वेल्व ई रेस टू एक्स प्लस ट्वेंटी। अगर हम कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे, सो थ्री ए जो कोएफिशिएंट है ई रेस टू एक्स के साथ है वो है थ्री ए प्लस थ्री बी, सो लिखेंगे थ्री ए प्लस थ्री बी। अब एल एच एस में ई रेस टू एक्स के साथ है माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व। अब कांस्टेंट है माइनस फोर ए, माइनस फोर ए, और इस तरफ कांस्टेंट है ट्वेंटी, सो ट्वेंटी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्रीवियस सम की तरह, तो आपको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा इजीली। सो सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं, सो दिस बिकम्स ए इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन माइनस फोर, सो हमें ए का वैल्यू मिल गया माइनस फाइव। अब इस तरफ थ्री कॉमन है हमारा, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, सो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ट्वेल्व अपॉन थ्री, सो ए प्लस बी इक्वल टू रेड्यूस करने के बाद माइनस फोर, सो ए प्लस बी इज माइनस फोर, सो ए का वैल्यू माइनस फाइव आया, सो माइनस फाइव प्लस बी इक्वल टू माइनस फोर, सो बी इक्वल टू माइनस फोर प्लस फाइव, सो बी का वैल्यू आ गया हमारा वन, सो बी का वैल्यू वन आया, ए का वैल्यू माइनस फाइव आया, सो आपको दोनों वैल्यूज मिल गए। का सब्स्टिट्यूट करते हैं अब हम इक्वेशन टू में, सो ये रहा मेरा इक्वेशन टू, इसमें हम ए और बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, सो सब्स्टिट्यूटिंग ए एंड बी इन इक्वेशन टू, सो हमारा इक्वेशन टू ये रहा, सो इट इज माइनस ट्वेल्व ई रेस टू एक्स प्लस ट्वेंटी जो हमारा न्यूमरेटर है इक्वल टू ए, ए हमें मिला है माइनस फाइव, मल्टीप्लाई बाय थ्री ई रेस टू एक्स माइनस फोर प्लस बी, बी है मेरा वन एंड थ्री ई रेस टू एक्स। सो अब सब्स्टिट्यूशन कर दिया हमने, आई विल नेम इट एज इक्वेशन नंबर थ्री। सो इन प्लेस ऑफ न्यूमरेटर अब मैं ये सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं, सो अब ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम क्वेश्चन में, नाउ देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है क्वेश्चन हमारा,
न्यूमरेटर है 20 माइनस 12 ई रेस टू एक्स, सो ये रहा 20 माइनस 12 ई रेस टू एक्स, किस जगह पे लिखेंगे माइनस 5 3 ई रेस टू एक्स माइनस 4 प्लस 3 ई रेस टू एक्स दी होल अपॉन, डिनोमिनेटर वैसा ही रहेगा 3 ई रेस टू एक्स माइनस 4 डी एक्स। अब प्रीवियस सम में हमने किए थे स्प्लिट कर दिया था डिनोमिनेटर को, दोनों न्यूमरेटर को दे दिए थे, करते स्प्लिट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 5 3 रेस टू एक्स माइनस 4 अपॉन 3 रेस टू एक्स माइनस 4 प्लस 3 रेस टू एक्स अपॉन 3 रेस टू एक्स माइनस 4 dx। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे रेड्यूस हो जाएगा, प्रीवियस केस में भी रेड्यूस हुआ था, सो देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सो ये हो गया हमारा माइनस 5 प्लस 3 ई रेस टू एक्स अपॉन 3 ई रेस टू एक्स माइनस 4 dx। सो लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई, रूल्स यूज करेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 5 है, सो माइनस 5 कॉन्स्टेंट है, आई विल टेक आउटसाइड 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 ई रेस टू एक्स 3 ई रेस टू एक्स माइनस 4 dx। सो माइनस 5 कॉन्स्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, सो माइनस 5x प्लस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, 3 रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, सो इट विल बी लॉग ऑफ 3 ई रेस टू एक्स माइनस 4 प्लस सी विच इज अवर फाइनल आंसर। सो अगर आपको यहाँ रीजन देना आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अगर प्रेजेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वी कैन डायरेक्टली राइट लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो आई होप आपको सम समझ में आया है, कंटिन्यू करते लास्ट टू सम्स। सो लास्ट टू सम्स आपको खुद से करना है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लास्ट टू सम्स। सो कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट टू क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेस टू एक्स प्लस 4 अपॉन 2 ई रेस टू एक्स माइनस 8। सो स्टूडेंट्स किसके जैसा है ये, यस हमारा जो स्पेशल इंटीग्रल था ए रेस टू एक्स प्लस बी अपॉन सी रेस टू एक्स प्लस डी, सो उसके जैसा ही है जहाँ ए बी सी डी हमारे रियल नंबर्स होते हैं। सो हमारा पैटर्न सेम है, मैंने आपको पैटर्न पहले भी बताया था, हम न्यूमरेटर का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन हमें याद रखना है न्यूमरेटर इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर, वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे जहां हम फिर उसको सॉल्व करके ए और बी का वैल्यूज फाइंड करेंगे, उन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे मेन इक्वेशन में, फिर उसको न्यूमरेटर के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सो मैंने ये सम पहले से करके रखा है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने दो सम्स आपको अच्छे से समझाए हैं, सो ये आपका होमवर्क है। सो सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं, सो लेट आई इक्वल टू हमने क्वेश्चन लिख दिया, देन हमारा न्यूमरेटर 3 रेस टू एक्स प्लस 4 इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर, फर्स्ट टर्म हमारा ये एज इट इज, चलो इसका डेरिवेटिव लेते, 2 मेरा एक कांस्टेंट है सो 2 बाहर आ जाएगा, एंड ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो बच्चों। सो फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारा 2 ई रेस टू एक्स और ये टर्म एज इट इज, सो इसको हम जब डेरिवेटिव लिया जाता है उस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। यस मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम कर दिया हमारा ये वाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है कि इक्वेशन नंबर 2 किसको देना है, वो अच्छे से याद रखना है। फर्दर अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें कंपेयर करना है, सो ई रेस टू एक्स वाले टर्म्स को साथ में लिखेंगे और सारे कॉन्स्टेंट वाले टर्म्स को साथ में लिखेंगे बच्चों, बिकॉज हमें कंपेयर करना है, कोएफिशिएंट ऑफ ई रेस टू एक्स एंड कॉन्स्टेंट को कंपेयर करना है। सो ई रेस टू एक्स को मैंने अलग कर दिया और कॉन्स्टेंट को अलग कर दिया, ऑन कंपेयरिंग मुझे मिला 2a plus 3b equal to 3 and minus 8a equal to 4,
सिंप्लीफाई किए तो ए का वैल्यू सबसे पहले मिलता है, हमने प्रीवियस भी दो सम्स किए जिसमें ए का वैल्यू सबसे पहले मिलता है, उस ए का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये केस में। सो फर्दर उसको सिंप्लीफाई किया तो बी का वैल्यू आ गया मेरा 2। अब इस ए और बी के वैल्यू को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किया जाता है। सो इक्वेशन नंबर 2 में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो आई गॉट 3e^2x + 4 = -2e^2x - 8 + 2 2e^2x। अब कहा करेंगे इसको हमारे मेन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो मेन क्वेश्चन हो गया हमारा i इक्वल टू माइनस हाफ 2e^2x माइनस 8 प्लस 2e^2x, इसको मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है और डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज। सो ये डिनोमिनेटर जो था वो एज इट इज है और ये जो न्यूमरेटर था वो मैंने चेंज कर दिया। फर्दर डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया, जो टर्म रेड्यूस होता है उसको रेड्यूस कर दिए, सारे सम्स में ऐसा ही होता है। अब माइनस हाफ मेरा कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया, 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया एक्स एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, सो आई विल अप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है बच्चों तो हम लिखते हैं लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी एंड देयरफॉर आई रोट 2 लॉग ऑफ 2e^2x माइनस 8 प्लस सी विच इज अवर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क था, आपको खुद से करना है, मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं यहां पे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2e^2x + 5 2e^2x + 1 dt, सो लेट आई इक्वल टू हमारा क्वेश्चन है, न्यूमरेटर को मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज किया है जहां मैंने उसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव 1 इज 0, हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर हमने e^2x वाले टर्म्स को मैंने साथ में लिखा, ऑन कंपेयर आई गॉट 2a + 2b = 2 एंड कांस्टेंट इक्वल टू 5, यहाँ कांस्टेंट डायरेक्टली मिल गया, कितना सिंपल था ये, तो डायरेक्टली a इक्वल टू 5 मिल गया, a इक्वल टू 5 हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, सो हमें मिला b इक्वल टू माइनस 4। ये हमारा एलजेब्रा पार्ट है जो हमने 8th 9th 10th में बहुत अच्छे से किया है, आपका वो पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए बिकॉज अगर a और b के वैल्यूज अगर गलत आ गए तो सम गलत हो जाएगा आपका। सो एलजेब्रा आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे ए और बी का वैल्यूज फाइंड करते हैं, ए और बी के वैल्यूज फाइंड करके उसको मेन इक्वेशन नंबर में, इक्वेशन नंबर 2 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। याद है यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया था प्रीवियस सम में, ये रहा यहाँ पे हम ए और बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उस इक्वेशन जो हमें नया मिलता है उसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं, उस इक्वेशन को हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो यू कैन राइट, कहाँ से पता चला ये, सो फ्रॉम 1 एंड 3। सो हमारा मेन क्वेश्चन हो गया, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे रेड्यूस होगा, सारे सम सेम है सिर्फ ए और बी का वैल्यूज अलग है, सो फर्दर सिंप्लीफाई हो गया एंड आई फाइनली गॉट दी आंसर। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये हमारे जो स्पेशल इंटीग्रल है बहुत अच्छे से समझ में आया है। सो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 5.3 फिनिश होती है। स्टूडेंट्स वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है सारे सम्स को, तभी जाके आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। सो ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।